बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, या कना बदो या कनस्ताइन। मेरे पाकिस्तानियों, आजकल एक अंग्रेज़ी में रेन ऑफ टेरर कहते हैं, खौफ फैलाया जा रहा है, एक खौफ की फ़िज़ा बनाई गई है कि जो भी कोई तहरीक इंसाफ से कुछ भी उसका कनेक्शन हो, रिश्तेदार हो, पॉलिटिक्स से कोई कनेक्शन ना हो, रिश्तेदार भी किसी तहरीक इंसाफ वाले का हो, कोई बिजनेस पार्टनर हो, यानी कोई भी किसी की कनेक्शन तहरीक इंसाफ के साथ हो, उसके ऊपर तशद्दुद, उनके ऊपर जुल्म, उनकी बिजनेसेस बंद, उनके घरों के ऊपर छापा, यानी ऐसी मैंने तो अपनी ज़िंदगी में इस तरह के कभी हालात नहीं देखे। हम सिर्फ पढ़ते होते थे, फिल्मों में देखते थे कि जो हिटलर का जर्मनी था, जिसको नाट्सी जर्मनी कहते हैं, उधर हम इस तरह की चीज़ें सुनते थे कि रात के छापे पड़ रहे हैं, रात को घुस गए हैं हथियार पकड़े हुए लोग निहत्ते शहरियों के पास और उनको घर तोड़ दिया, उनको पकड़ के ले गए, जिसको पकड़ने आए अगर वो नहीं है तो जिस जो मर्जी मिला उसको पकड़ के ले गए। ये हम तब सुनते थे कि एकदम गायब हो जाते थे लोग, पता ही नहीं चलता था किधर गए हैं। जिस तरह अब आज़म खान का पता चला, उसकी फैमिली का, कि आज़म खान जो मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, वो रात से पता गायब हुए हैं, पता ही नहीं किधर गए हैं, तो उनको उठा के ले गए हैं। इस जिस तरह इमरान रियाज से हुआ है, उसके घर वाले बैठे हैं, उसकी बीवी है, उसके बच्चे हैं, पता ही नहीं, अदालत कह रहा है प्रोड्यूस करो, पता ही नहीं किधर ले गए हैं जी, हमें पता ही नहीं किधर चला गया। और ये कितनी और कहानी है, घरों में आते हैं, कहीं से उठा लेते हैं, ले जाते हैं, गायब कर देते हैं। और हमारी अदालतें, और मैं आज सलाम करता हूँ उन जजेस को जो इस सारी मुश्किलात और धमकियों के बावजूद, जजेस को धमकियाँ दी जाती हैं, उनको भी बताया जाता है कि आपकी टेपें हैं, आपका ये है, आपके हमारे पास फाइलें बनी हुई हैं, उनको भी ब्लैकमेल किया जाता है। तो उसके बावजूद कई ऐसे जजेस खड़े हैं कि इसके बावजूद वो पूरा इंसाफ देने की और अपने शहरियों को प्रोटेक्शन देने की, उनकी हिफाजत करने की कोशिश करते हैं। और मैंने तो ख़ुद देखा है जजेस को कि कई जजेस किस तरह खड़े हुए हैं, इन मुश्किल बर्बरियत के दौर के अंदर भी वो खड़े हुए हैं। लेकिन जो मुझे अफसोस है वो ये कि कभी भी हमारे मुल्क में चादर और चार दीवारी की इस तरह बेहरमती नहीं हुई जो आज हो रही है। और मुझे ऐसे लगता है कि प्लान किया हुआ है कि आदमी सोचता है कि ठीक है, जो मर्ज़ी करना करें, मुझे करें, लेकिन जब घर की औरतों पे पहुंचते हैं तो ये बड़ा मुश्किल होता है हमारे माशरे में कि कोई भी आदमी फिर उससे मुतासर ना हो। और मैं आज उनकी बात नहीं करूंगा जो चले गए हैं, मैं उनकी बात करूंगा जो इस मुश्किल बर्बरियत के दौर में और इस जुल्म के दौर में आज भी खड़े हुए हैं। मैं उनको ख़ास तौर पे आज सलाम करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे ख़बरें आती हैं कि लोगों से लोग किस किस मुश्किल से गुजर रहे हैं, घरों से बाहर रह रहे हैं, उनकी बिजनेसेस बंद कर दी हैं, उनके कारोबारों के ऊपर उन्होंने बंद ही नहीं किया, उनको नुकसान पहुँचाया जा रहा है कारोबार को, उनके जो उनका रोज़ी कमाने के तरीके हैं उनके ऊपर अटैक किया इन्होंने, उनको पूरी कोशिश किया इन्होंने कि किसी तरह उस वो बस वो जादू के लफ्ज़ कह दे कि मैं तहरीक इंसाफ छोड़ रहा हूँ। तो हर किस्म का प्रेशर डाला हुआ है। तो मैं उनको आज सलाम करना चाहता हूँ जिनको जिनके घर तोड़े हैं इन्होंने और उसके बावजूद वो भी आज खड़े हैं, और जिनके जिन्होंने अपने बीवी बच्चे छुपा दिए हैं कहीं, क्योंकि ये औरतों पे पहुंच जाते हैं। और मैं ये जब मुझे यानी मैं कभी नहीं सोचता था कि मेरे मुल्क में ये वो दौर आएगा कि औरतों को इस्तेमाल किया जा रहा है सिर्फ एक चीज़ के किसी ना किसी तरह इमरान खान का साथ छोड़ो। यानी ऐसी कभी मैंने नहीं सोचा था कि किसी मुल्क में भी ऐसे होगा कि सिर्फ उसको एक आदमी को शिकस्त देने के लिए या एक आदमी को, क्योंकि हमने काटा लगा दिया एक आदमी पे, वो ना वापस आ जाए, उसके लिए हर किस्म का हरबा जिसमें औरतों को इस्तेमाल किया जा रहा है, बच्चों को इस्तेमाल किया जा रहा है। आमिर मुगल हमारे इस्लामाबाद के वो एक कारकुन थे। अब मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ
कि ये कहा है ना कि जी 9 मई को जो हुआ तो उसकी वजह से सजा मिल रही है, नहीं, 9 मई से पहले सजा मिल रही थी। 9 मई को तो एक बहाना मारा गया। और मैं फिर से आज कहता हूँ कि जिस वक्त इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन हुई, और इसके ऊपर इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि किसी को हक नहीं पहुंचता जज, जूरी और एग्जीक्यूशनर बनने का। आपका एक मौकफ है, हमारा एक मौकफ है। हमारा मौकफ है कि ये पूरा सेटअप था, ये पूरी तैयारी थी पहले से, सब कुछ प्री प्लान हुआ हुआ था। जान के मुझे इस तरह पकड़ा गया कि एक रिएक्शन आए, उस रिएक्शन के ऊपर पहले से प्लान बना हुआ था। अगर प्लान ना बना होता तो एकदम 10,000 लोगों को कौन पकड़ सकता है 2 दिनों के अंदर, जबकि पहले से लिस्टें नहीं बनी हुई थी, पहले से तैयारी नहीं थी, पहले से पुलिस को हुक्म नहीं दिया हुआ था कि तुमने इधर इधर जाना है। ये तो पहले प्लान हुआ हुआ था सब कुछ, और हम कह कह के थक गए हैं कि क्यों नहीं इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होती। सबसे पहले तो पुलिस चीफ को पकड़े, क्या था, या IG जो पंजाब था, ये दंदनाता फिर रहा है, इसको क्यों नहीं पूछते कि क्या हुआ था, जब इतनी देर 2 घंटों के अंदर एक काफिला आ रहा था वहाँ से, लिबर्टी चौक से, इसको भी नहीं पूछा। और वो जो CCTV कैमरा जो 100% लगे हुए होंगे वहाँ कोर कमांडर के घर में, वो किधर गए हैं, उनके ऊपर क्यों नहीं कोई एविडेंस आई, क्यों नहीं वो जो अस्करी बिल्डिंग जलाई गई है वहाँ आई विटनेस है, उसने कहा जो लोग थे वो तहरीक इंसाफ के थे ही नहीं जो जला रहे थे, उसके ऊपर क्यों नहीं कोई इंक्वायरी हुई। हमारे अपने लोग बार बार कह रहे हैं कि ऐसे लोग हमने देखे जो हम पूछते थे कि किस पार्टी, हमारी पार्टी के नहीं थे, वो लगे हुए थे आगे लोगों को करने के लिए, जहाज चौक मियांवाली के अंदर, वो कि माचिस से तो नहीं चल सकता था वो जो सेबर वहाँ लगा हुआ था, मियांवाली के लोगों को तो बड़ा फख्र था। कौन वो हमारे आई विटनेसेस हैं जो कह रहे हैं कि ये 3-4 वहाँ लोग आए थे और वो भड़का रहे थे और उन्होंने लीड कर रहे थे लोगों को, और वो पूछ रहे थे तुम कौन हो। तो बहरहाल, एक तो इन्वेस्टिगेशन इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, लेकिन मैं आमिर मुगल की बात कर रहा हूं। ये तो हुआ 9 मई को, 8 मार्च को उसके घर जाते हैं, आमिर मुगल घर नहीं होता, उसके 5 बच्चे होते हैं, एक बड़ा होता है, बाकी सारे 16 साल से छोटे, 10 साल तक, 5ों को उठा के लेके जाते हैं, 5 बच्चों को उठा के लेके जाते हैं, उसकी बीवी से बदतमीजी करते हैं, और फिर अदालत में वो जाता है और अदालत में वो बच्चे फिर छुड़वाता है 2 दिन के बाद। तो ये तो अभी 9 मई नहीं हुआ था, तो ये क्यों उनको उठा लिया। और जो FI मेरे पर 140 FIR कट चुकी थी 9 मई से पहले, तो वो किस वजह से कटी थी। तो ये जो बनाया जा रहा है ना कि जी 9 मई के बाद ही हुआ है, 9 मई से पहले से प्लान था, ये प्लान बहुत पहले का बन चुका था कि इमरान खान के ऊपर काटा डाल रहे हैं, तहरीक इंसाफ ने अब वापस नहीं आना, अगर वापस आएगी तो माइनस इमरान खान आएगी, ये प्लान पहले का बना हुआ था। मुज़ाकरात मैंने शुरू से ही कहा था हम तैयार बैठे हैं, जनरल बाजवा से मैंने 2 दफ़ा मुज़ाकरात किए, टीम बनाई हुई थी जो उनसे मुज़ाकरात करती थी, सिर्फ ये कहने के लिए कि ये हो ही नहीं सकता कि अब मुल्क की सबसे बड़ी जमात को अगर आप उसके ऊपर काटा डालते हैं तो फिर जमहूरियत पर काटा डाल देते हैं, ये तो कहीं होता ही नहीं है। तो इसलिए मुज़ाकरात करते थे कि हमें बताएं कि आपका क्या रोड मैप है। जब जनरल बाजवा गया उसके बाद फिर मुज़ाकरात की पूरी कोशिश की, हमेशा पैगाम पहुँचाए, कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि वहाँ वही पॉलिसी चल रही थी, वही काटा डाला हुआ था। जब काटा डाला हुआ तो बात क्यों करेंगे कोई। बात मैं आज भी करने के लिए तैयार हूँ, और इसलिए कि ये इमरान खान की अब बात नहीं है, ये पाकिस्तान की बात है। हमारा मुल्क जिस तरफ जा रहा है, इस मुल्क में कोई उम्मीद नहीं रह जाएगी लोगों की। 10 लाख पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स मुल्क छोड़ के चले गए हैं, पाकिस्तान के डॉलर्स मुल्क से बाहर इन्वेस्ट हो रहे हैं, लोगों को पाकिस्तान के ऊपर इत्माद ख़त्म होता जा रहा है, उम्मीद जा रही है, और अगर इसी तरह चलता रहे तो आगे कोई भी होप नहीं है। तो कोई तो प्लान होगा ना, चल मान लिया इमरान खान नहीं है, PTI ख़त्म कर दी, जिस तरह अभी ये कराची के अंदर लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन करवाया है, अब अगर इसको इलेक्शन कहते हैं तो इस तरह तो सारे डिक्टेटरशिप्स के अंदर ऐसे इलेक्शंस होते रहे हैं जिनकी कोई अहमियत नहीं होती, कोई मानता ही नहीं है उनको। तो ये इलेक्शन के तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के वोट देखें कितनी, 8 से 9 लाख,
पीपल्स पार्टी के 3 लाख वोट, इतना बड़ा फ़र्क, और वो जीत जाती है पीपल्स पार्टी, और जिस तरह वो जीतती है पुलिस का इस्तेमाल करके, तो ये तो कोई इलेक्शन नहीं है, और इससे तो कोई मुल्क का फ्यूचर नहीं है, क्योंकि इलेक्शंस तब इलेक्शन माने जाते हैं जब जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ होता है, जिस मुल्क में इंसाफ होता है, ताकि जब इंसाफ होता है वो फिर साफ और शफाफ इलेक्शन करवाता है, उस मुल्क में अदलिया उनके हकूक़ की हिफाजत करती है, वो फिर मुल्क आज़ाद हो जाता है। जमहूरियत का सिर्फ मकसद ही एक होता है, आज़ादी देना। जमहूरियत के अंदर अगर लोग आज़ाद नहीं है वो जमहूरियत नहीं है, और जमहूरियत के अंदर आज़ाद अदारे होते हैं, आज़ाद इलेक्शन कमीशन होती है, आज़ाद अदलिया होती है, वो लोगों के हकूक़ की हिफाजत करती है। जब लोगों के हकूक़ की हिफाजत की जाती है, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, कौम आज़ाद हो जाती है, और आज़ाद कौम वही उसी की परवाज़ ऊपर जाती है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, ईस्ट जर्मनी, वेस्ट जर्मनी, दूसरी जंग अजीम के बाद ईस्ट जर्मनी के अंदर डिक्टेटरशिप आ गई, वेस्ट जर्मनी में जमहूरियत आ गई। जब 50 साल के बाद ईस्ट जर्मनी आज़ाद होता है और इकट्ठे होते हैं, तो ईस्ट जर्मनी पीछे रह जाता है, वेस्ट जर्मनी ऊपर चला जाता है, ईस्ट जर्मनी नीचे आ जाता है। स्पेन की मैं मिसाल देता हूँ, वहाँ डिक्टेटरशिप आ गई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, फ्रेंको आ गया, 30 साल डिक्टेटरशिप रही, वो पीछे चला गया, स्पेन सारा वेस्टर्न यूरोप जो डेमोक्रेसी थी आगे चला गया। सोवियत यूनियन, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दो बड़ी ताकतें थी, अमेरिका और सोवियत यूनियन, असल में सोवियत यूनियन ने नाजी जर्मनी को शिकस्त दी थी, उनके पास ताकत थी, और वही सोवियत यूनियन के अंदर वो हुआ जो आज पाकिस्तान में हो रहा है, और उधर से वहाँ वो आज़ाद हो गए, वो आज़ाद थे, मगरबी सोसाइटीज़, वेस्टर्न यूरोप, अमेरिका, वो आगे निकल गए, ईस्ट सोवियत यूनियन टूट गया। कभी कोई माशरे में जिधर आप आज़ादी उसकी ख़त्म कर देते हैं, उसकी आप परवाज़ ख़त्म कर देते हैं। नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया एक ही लोग हैं, साउथ कोरिया देखें किधर पहुंच गया, क्योंकि आज़ाद है, जमहूरियत है। नॉर्थ कोरिया को देख लें, डिक्टेटरशिप में क्या हालात हैं उसके, अभी BBC पे फिल्म आई, वहाँ लोग भूखे मर रहे हैं, और वही लोग हैं। तो हम एक तय करके सफ़र यहाँ तक पहुँचे थे, हमारा आहिस्ता आहिस्ता डिक्टेटरशिप आती थी, फिर जमहूरियत आती थी, फिर डिक्टेटरशिप आती थी, लेकिन एक हमारा जहन इवॉल्व होता गया, हम एक आगे बढ़ते गए, हम आखिर में इस चीज़ पे पहुँचे कि बुरी भी जमहूरियत एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप से बेहतर है। हम इस कौम इस नतीजे पे पहुँच गए। जनरल मुशर्रफ का जो मार्शल लॉ था वो लिबरल था, उसके अंदर मीडिया को आज़ाद किया गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मुशर्रफ के दौर में आज़ाद हुआ। मैं ओपोजिशन में था, मेरी आज़ादी राय थी, मैं बोल सकता था, हम पार्लियामेंट में बोलते थे, मैं TV पे चैनल्स पे जाके बोलता था, क्योंकि वहाँ मीडिया ने आए और मीडिया के लोगों ने पिछले 30 साल में बड़ी जद्दोजहद की अपने आप को आज़ाद करने के लिए। आज वो सारा ज़ीरो पहुँच गया, आज अच्छे अच्छे सहाफ़ी बाहर भाग गए हैं, अरशद शरीफ को शहीद किया, सिर्फ उसकी बातें नहीं पसंद आ रही थी। इमरान रियाज अभी तक गायब है, पता ही नहीं किधर है, जिसकी सबसे ज़्यादा YouTube पे व्यूअरशिप थी, बाकी इस मुल्क छोड़ के चले गए हैं। मोहित पीरजादा मुल्क छोड़ गया है, हमारे औरिया मकबूल जान सुना वो मुल्क छोड़ के चले गए हैं, शाहीन सिबाही वो पहले बाहर बैठे हुए, साबिर शाकर वो मुल्क छोड़ के चला गया, उनके ऊपर और बाहर केसेस करने शुरू कर दिए हैं। यानी यहाँ तो मीडिया कंट्रोल कर लिया है, बाहर भी अब मीडिया की आवाज़ नहीं देखना चाहते। YouTube के ऊपर अब हर किस्म का क्रैकडाउन है, सोशल मीडिया के लोगों के ऊपर क्रैकडाउन है, जो कोई ट्वीट करता है उसके पीछे वीगो डाला रात को पहुँच जाता है घरों में। तो मैं ये सवाल पूछता हूँ कि इससे मुल्क को क्या फ़ायदा हो रहा है? हाँ, जो आपने इमरान खान को तो बाहर रख दिया, मुझे ये पता है मुल्क को क्या फ़ायदा हो रहा है? क्या इसमें कोई मुल्क का मुस्तकबिल है कि हम सारा रिवर्स गियर लगा के वहाँ पहुँच गए हैं जिधर हमने सब कुछ बंद कर दिया है, और हमने खौफ के ज़रिए, डंडे के ज़रिए मुल्क को आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं जिस तरह हम भेड़ बकरी हैं? क्या इससे लोग कंट्रोल हो जाएंगे? क्या हमारा ये ख्याल है कि ये जो हम अब जिस तरफ लेके जा रहे हैं कि पाकिस्तान के बड़े बड़े नामवर डाकू ऊपर मुल्क के बैठ गए हैं,
और कौम को कहेंगे जनाब ये हमने फैसला किया, ये बैठे हुए हैं और अब आपने इनकी इनकी जिस तरह भी इलेक्शन जीते बस आपने इनको कबूल करना है। ये याद रखेंगे, यही लोग थे जिनको जनरल मुशर्रफ ने जब अपना मार्शल लॉ लगाया 99 में तो सारी कौम को बताया कि इन दोनों पार्टीज ने कितनी करप्शन किया है। मुझे जनरल अमजद ने जो पहले नैब के हेड थे हमें बकायदा बताया गया, उसने डिटेल्स दी कि इन दो पार्टीज ने कितनी करप्शन की, इनके पैसे कितने बाहर पड़े हैं, और इन दोनों पार्टीज ने बताया दुनिया को कि ये कितनी करप्ट हैं। सरे महल का नवाज शरीफ ने बताया कि वो सरे महल में यहाँ से पैसा चोरी करके गया। हुदैबा पेपर मिल का रहमान मलिक पीपल्स पार्टी वालों ने एक्सपोज किया, यानी इनको अपनी करप्शन बताई पब्लिक को। फिर जनरल मुशर्रफ इनको NRO दे देते हैं, ये वापस आते हैं, 10 साल फिर बैठते हैं, इनके ऊपर ही दौर में करप्शन केस बनते हैं। हमें बताया जाता है, हमें तबाय साहब बताती है कि इनकी करप्शन कितनी है। मैं जीतता हूँ इनके खिलाफ और एक आदमी घोड़ा सवार फैसला करता है कि जनाब ये क्या, ये इनकी मैंने फैसला किया है कि जनाब इमरान खान मुल्क के लिए बुरा, उनको फिर ऊपर ले आता है और फिर हैरान होते हैं कि जी ये सोशल मीडिया क्यों हमारे अगेंस्ट हो गया। भाई ये इंसान है, आपने खुद ही पहले लोगों को तैयार किया कि ये किस तरह के लोग हैं, ये जो 30 साल से मुल्क को लूट रहे हैं, आपने हमें बताया कि इनकी कितनी प्रॉपर्टीज़ बाहर पड़ी हैं, ये जो हैं ये तो थोड़ी सी हैं, बाकी जो और हमें प्रॉपर्टीज़ बताई गई हैं इन्होंने की, और इनकी कितने कितने इन्होंने बेनामी प्रॉपर्टीज़ ली हुई हैं मुल्क से बाहर, कि चोरी करके मुल्क से बाहर पैसा लेके गए हैं। आज ये मुहिब वतन बन गए हैं और इमरान खान गद्दार बन गया है, जिसने अपनी सारी बाहर की कमाई पैसा कमा के सब कुछ बेच के आज पाकिस्तान में है, अपने नाम पर है, वो गद्दार है। और जिन्होंने चोरी करके पैसा मुल्क से बाहर 30 साल से भिजवा रहे हैं, हुदैबा पेपर मिल से शुरू करें, इनके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज बनी हुई हैं, BBC ने बताया इन्होंने कितना पैसा चोरी की, यानी इनकी इनकी चोरी के ऊपर बाहर के ऊपर मजमून लिखे हुए हैं, किताबों के अंदर इनकी चोरी का मेंशन है, वो ठीक हैं और हम आज गद्दार बन गए हैं। तो क्या कौम ये मानेगी ये चीज़ें? क्या कौम समझ जाएगी कि आप जब फैसला करेंगे कौन गद्दार है तो कौम भी उनको गद्दार, अगर वो नहीं मानेगी तो कौम को डंडे से आप सीधा करेंगे? देखें मैं आखिर में मैं अपनी कौम से अब मुखातिब हूँ। देखें जिस तरफ हम निकल रहे हैं, मुझे अपनी कौम के ऊपर मुझे ये खौफ हुआ है कि हम अगर कौम बासियत कौम खड़े ना हुए, जालिम हुक्मरान के खिलाफ कलमा हक पढ़ना, ये अल्लाह को वो चीज़ पसंद है जो सबसे बड़ी क्वालिटी। क्यों पसंद है लोगों? क्योंकि जब आप जुल्म के सामने सर झुकाते हैं आप गुलाम बन जाते हैं, जब आप जालिम के सामने खड़े होते हैं, जुल्म के सामने अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं, इसको जहाद कहते हैं। और जहाद क्यों, अल्लाह ने जहाद को इतना बड़ा रुतबा दिया इस्लाम में? क्योंकि आज़ादी के लिए आप करते हैं, क्योंकि अल्लाह को पता है कि आज़ाद इंसानी का परवाज ऊपर है। मैंने आपको मिसाल दे दी कि वही लोग ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी आज़ाद लोग ऊपर चले गए, दूसरे नीचे चले गए, वही कोरिया के अंदर नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया डिक्टेटरशिप वो नीचे चलेगी, वो खुशहाल हो गए। तो हमें तो पता है दुनिया में क्यों लोग जमहूरियत की इतनी बात करते हैं, क्योंकि वो आज़ाद करती है लोगों को। तो ये जमहूरियत नहीं है जो कराची का इलेक्शन हुआ है लोकल गवर्नमेंट का, ये जमहूरियत नहीं है, ये हर डिक्टेटर ऐसे इलेक्शन करवाता है। हमें मुल्क के लिए सबको फैसला करना पड़ेगा कि क्या हमने ये जुल्म का निज़ाम कबूल करके और इसे डर के हमने घरों में बैठ जाना है और ये जुल्म होने देना है, तो ये समझ जाएं कि इस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है, या हमने पुरमन, और मैंने आज 27 साल से कह रहा हूँ कि शहरी हमेशा पुरमन एहतजाज करते हैं, शहरी हमेशा हक के लिए खड़े होते हैं, जिंदा कौमें अपने हकूक के लिए खड़ी होती हैं, जिंदा कौमें इंसाफ के लिए खड़ी होती हैं, क्योंकि इंसाफ के साथ ही आज़ादी आती है। मैं उस लोगों के अंदर था जब बरतानिया के अंदर 20 लाख लोगों ने सड़कों के ऊपर पुरमन एहतजाज किया, मैं उस एहतजाज में शामिल था,
2003 में जब उन्होंने कहा कि इराक की जो जंग है जो बरतानिया शिरकत कर रहा है ये नाइंसाफी है इराक के लोगों से। बरतानिया को फ़ायदा हो रहा था, तेल के लिए जंग थी, लेकिन लोगों ने जिंदा कौम ने कहा कि नाइंसाफी है इराक के लोगों से, और वो 20 लाख लोग सड़कों पर निकले। ये जिंदा कौम होती है। ये जो करने जा रहे हैं, ये जो सरों को खौफ फैला रहे हैं, घर तोड़ रहे हैं, ये गाड़ियां उठा ली जाके, गाड़ियां चोरी कर ली, शाह फरमान के और भाइयों की 3 गाड़ियां चोरी कर ली, 2 गाड़ियां चोरी कर ली असद कैसर और उसके घर के लोगों की, शाहराम तरक्की उनके घर में जाके 2 गाड़ियां जाके उठा के ले गए। पुलिस चोरी कर रही है, जिनके घरों में जाते हैं वहां चोरी कर ले लूट लेते हैं। मेरे घर में जब यहां आए थे तो जो चीज मिली चोरी करके ले गए। तो क्या हम इसको कबूल करेंगे और खौफ के सामने झुक जाएंगे, या हम एक जिंदा कौम की तरह खड़े होंगे? ये जो इस वक्त खौफ फैलाया जा रहा है, मैं आपका मकसद इसका बता दूं, इसका मकसद ये है कि इन्होंने प्लान किया हुआ या मिलिट्री कोर्ट के ज़रिए, या ये कोई कत्ल के केस और डाल रहे हैं, या अभी मेरे पास कोयटा का कत्ल का केस डाल, इनकी कोशिश यह है कि मुझे फिर अब इन्होंने पकड़ना है। उसके लिए ग्राउंड तैयार कर रहे हैं कि खौफ इतना फैल जाए कि जब आप इमरान खान को पकड़ें तो कौम चुप करके बैठ जाए। ये सारा प्लान है। मैं सिर्फ आपको कह रहा हूं कि मैं तो तैयार हूं जेल के लिए, मैं तो हर चीज़ के लिए तैयार हूं। अल्लाह के ऊपर पूरा इत्माद है। मैं तो ये अपनी ज़ात के लिए कर नहीं रहा, यह तो मेरे अपने मुल्क के लिए। मैं जब निकला था आज से 27 साल पहले तो मैं तो जहाज समझ कर निकला था, क्योंकि अल्लाह तो मुझे सब कुछ दे बैठा था। तो ये तो अब आपके ऊपर चैलेंज है, क्या आपने चुप करके जुल्म होने देना है अपने ऊपर और अपना मुस्तकबिल ख़त्म करना है, या आपने पुरमन एहतजाज करना है और सब ने मिल के करना है कि ये जुल्म हमें कबूल नहीं, हम आज़ादी चाहते हैं, हम हकीकी जमहूरियत चाहते हैं। हकीकी जमहूरियत का मतलब हकीकी आज़ादी चाहते हैं। हम किसी सूरत किसी जालिम के सामने सर नहीं झुकाते। और जब ये कौम ने फैसला कर लिया, कोई जालिम नहीं आपके सामने खड़ा हो सकता। वो सिर्फ तब तक खड़ा होता है जब वो समझता है कि आप खौफ के बुत की पूजा करते हैं। जब तक उसके सामने झुके रहेंगे वो आपके ऊपर हावी रहेगा। जब कौम ये बुत तोड़ देगी, कौम आज़ाद हो जाएगी, और आज़ाद कौम ही खुशहाल होती है। पाकिस्तान जिंदाबाद।